इसी बीच कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क और ब्लैक फंगस की दवाओं पर किस दर से जीएसटी वसूली जाए, इसका फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा, जिसकी 44वीं बैठक की वित्त मंत्री की अध्यक्षता में फिलहाल जारी है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। जयपुर से वीसी के जरिए कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल भी इसमें जुड़े, जिन्होंने राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने और कोविड से संबंधित सभी सामानों पर कर नहीं लगाने की मांग की। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री मुहर लगाएगी। दरअसल कोविड और ब्लैक फंगस जैसी महामारियों से पूरा देश फिलहाल जूझ रहा है। कोविड से हालांकि देश उबरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस एक नया चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में कोविड से जुड़े हुए तमाम जो दवाइयां हैं या फिर ऐसे चिकित्सा उपकरण जिन पर जीएसटी का दायरा निश्चित किया जाना चाहिए, क्या वो दायरा रहेगा, क्या जीएसटी उन पर लगाई जाएगी, इन सभी मुद्दों को लेकर के जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक जारी है। जयपुर से भी शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, राजस्थान को उन्होंने इस मीटिंग के अंदर रिप्रेजेंट किया, साथ ही राजस्थान के पक्ष में बातें रखी। कहा कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया राशि है राज्यों के लिए, वो राज्यों को जल्दी अलॉट की जाए। साथ ही में कोविड की चिकित्सकीय व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई या फिर उपकरणों से जुड़ी हुई, दवाइयों से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी सामान है, उनको टैक्स फ्री किया जाए, जीएसटी के दायरे से उन्हें फ्री किया जाए। अनुराग ठाकुर और राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल रहे, साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल रहे। कोरोना वैक्सीन, ब्लैक फंगस की दवा पर कितना टैक्स लगेगा, क्या जीएसटी का दायरा रहेगा, ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुहर लगाएंगी। तो जयपुर से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी काउंसिलिंग की अहम बैठक में जुड़े, राजस्थान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इस बैठक में राजस्थान का पक्ष रखा, कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति जो राज्यों की बकाया राशि है वो तुरंत राज्यों को दी जाए, जिससे कोरोना के संबंध में लड़ी जाने वाली लड़ाई का, और अब जैसे जैसे प्रदेश में अनलॉक की गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही है, आने वाले दिनों में और भी रियायतें जनता को देनी है, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को किस तरीके से एक बार फिर से पटरी पर सरकार ला पाएगी, अगर जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि राज्यों को मिल पाएगी तो एक बड़ा सहायक तत्व वो कहा जा सकता है इस पूरी लड़ाई के अंदर, कहा कोरोना की पूरी लड़ाई में रहेगा। तो इन्हीं सभी बातों को इस बैठक में सामने रखा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, देखिए बड़ी अहम जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग है, जयपुर से भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जुड़े, और बेसिकली पूरा जो मुद्दा है वो कोरोना और ब्लैक फंगस जो महामारियां घोषित हो चुकी है, अब जिंदगी पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। जीएसटी फिलहाल कितनी लगाई जानी चाहिए, क्या अभी बैठक से जानकारी निकल कर आ रही है? प्रीत, कोरोना से जुड़े तमाम जो चीजें हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, मास्क की बात करें या फिर दवाइयों की करें, जीएसटी की 44वीं बैठक में समय की अध्यक्षता बैठक हुई, उसमें ये जो तमाम चीजें हैं, इसमें कहने से राह देने की जो मांग है वो लगातार हो रही है, और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक के अंदर इस जीएसटी की बैठक के बाद इसमें राहत दी जाए। तमाम जिस तरीके से एम्बुलेंस की परचेज की बात करें या फिर ब्लैक फंगस की जो दवाइयाँ हैं, जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, जीएसटी छूट की बात की जा रही है राज्य सरकारों की ओर से, साथ साथ राजस्थान की ओर, दिल्ली की ओर से, पंजाब की ओर से और छत्तीसगढ़ से कहा की गई है कि जीएसटी की जो दरें वसूली जाती है दवाइयों के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर या फिर तमाम जो मेडिकल इमरजेंसी के उनके ऊपर, उसको कम किया जाए। फिलहाल हम लगातार ये मांग की जानी है, की जा रही है, आप केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राहत दी जाती है,
को लेकर जीएसटी की दरों पर छूट की भी मांग की जा रही है जी। उसको लेकर क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है? बैठक में अनुराग ठाकुर भी मौजूद है, राज्य वित्त मंत्री, उनकी तरफ से ये कहा गया है केंद्र सरकार लगातार कर रही है, केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही है, बैठक में मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर